हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम होने में मात्र अब 24 दिन बचा है। कितना दिन बचा है? 24 दिन बचा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन में, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि सर हम क्वेश्चन करें तो कहाँ से करें, कहाँ से ना करें, क्या अच्छे क्वेश्चन है, कहाँ नहीं है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन का समाधान मैं लेकर के आया हूँ इसी वीडियो में। तो देखो, आप हमारे कास्ट मेडिकल अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 149 रुपीज़ का एक बैच मिल जाएगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के, क्या सभी सब्जेक्ट के, चाहे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 149 रुपीज़ में। और साथ ही साथ में आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिससे आप देख पाओगे आपकी कितनी प्रैक्टिस है, उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को और जारी रखें। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कास्ट मेडिकल एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम में मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 11 क्वेश्चन नंबर। और इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या कहता है। और उसके बाद देखो, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है हमारे वीडियोज़ की, हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं, यानी कि आपका जो भी कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है वो दोनों भाषाओं में होगा। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड, क्या व्हाट इज द रिस्पॉन्स, एक सेकेंड कुछ एरर आया थोड़ा सा, अभी ठीक है, नहीं है, थोड़ा सा अभी और गड़बड़ कर रहा है। कुछ तो दिक्कत, हाँ अभी ठीक है। अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन अ पेशेंट एजुकेशन, यानी कि एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो नर्स है पेशेंट की शिक्षा में उसके पास कौन सी सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, योगदान होना ज़रूरी है। पहला कि इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट एजुकेशन इन द हेल्थ केयर, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पेशेंट की हेल्थ केयर की जो एजुकेशन है उसको इग्नोर करने पर जो एक हाईली क्वालिफाइड नर्स है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सबको पता होगा कि ये आंसर बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल गलत है, नहीं सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोवाइडिंग पेशेंट एजुकेशन टू प्रमोट सेल्फ केयर, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड एनहांस द हेल्थ लिटरेसी, इसका यही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो क्वेश्चन ऑप्शन है, रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पेशेंट को हम उसके बारे में, क्या पेशेंट को हम उसके बारे में मना कर देंगे एजुकेशन देने के लिए। ऑल ऑफ द अबव कभी हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बाकी के ऑप्शन गलत हो चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए नर्स फॉर अ नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट एजुकेशन ऑन हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेज, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली के चुनावों पर रोगियों को प्रभावित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना, बींग नॉलेजेबल एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेज, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं के बारे में जानकार होना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फॉर अ नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा प्रशासन को प्रभावी ढंग से करने के लिए एक नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, बींग नॉलेजेबल अबाउट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, दवा प्रशासन सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में जानकार होना। इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आंसर बता दिया, करेक्ट आंसर बता दिया। आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बता दिया, सही तरीका नहीं, बिल्कुल आई नो। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग, अब देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, देखो इन कहा गया है कि इनमें से, क्या इनमें से कौन सी बेस्ट क्वालिटी है
जो कि एक नर्स को टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिसिन। हाँ, इनमें से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो कि एक नर्स को क्या जो कि एक नर्स को एक अच्छी मेडिकेशन देने में सहायता करता है? तो याद रखना कि आपके अंदर उस चीज़ की नॉलेज होना, किसकी प्रॉपर मेडिकेशन की, उसको कैसे देना है, उसकी जो सिद्धांत हैं, जो भी तकनीक हैं, उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, ये क्या हो जा रहा है, सॉरी, कुछ तो दिक्कत आ रहा है। कुछ तो दिक्कत आ रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, यानी कि दवा प्रबंधन में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। आपसे पूछा गया है कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स उसकी मेडिकेशन मैनेजमेंट में क्या जिम्मेदारी होती है। तो याद रखना, इसकी जिम्मेदारी होती है इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट। यानी कि ये कह रहा है कि जो सबसे पहले जो भी सेफ चीज़ें हैं उनको इंश्योर करना कि भाई हम जो भी दवाई देने जा रहे हैं पेशेंट को वो एकदम सेफ़ है, जो भी हम टीका लगाने जा रहे हैं, जो भी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। इफेक्टिव मेडिकेशन यानी कि जिस बीमारी की आप दवा उसको दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति है जिसको बुखार है और आप उसको दवाइयाँ दिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो याद रखना, दवा त्रुटियों और प्रतिकूल दवा घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवा प्रशासन प्रबंधित, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रोल। देखो, इस पूरे पीडीएफ में सिर्फ रोल के बारे में बताया गया है कि एक नर्स के क्या रोल्स रहेंगे, कब कुछ बहुत सारी कंडीशंस दी रहेंगी, उन कंडीशंस में क्या रोल है एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की, उनके बारे में बात की गई है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि शोध और साक्ष्य आधारित अभ्यास में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है। तो याद रखना क्या होता है, इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट। यानी कि इस क्वेश्चन ऑप्शन में कहा गया है रोगियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली देखभाल करना, यानी कि जो भी हाई क्वालिटी की जो भी सबसे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं पेशेंट के लिए वो सारी चीज़ें करना, और के लिए शोध और साक्ष्य आधारित अभ्यास को शामिल करना, यानी कि नई नई चीज़ें करते रहना जिससे पेशेंट की ट्रीटमेंट, उसकी केयर और भी अच्छे तरीके से की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन अ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दस्तावेजीकरण में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है। यानी कहा गया है कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स है, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो भी पेशेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले उसका कहाँ से इलाज चल रहा था, कहाँ से नहीं चल रहा था, उसकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, उसको किस प्रकार से दवाइयाँ खानी हैं नहीं खानी है, उसका जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है उसमें एक क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल रहता है। तो याद रखना, देखो ध्यान से आप देख पाओगे कि डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर एक्यूरेटली, यानी कि जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन है उसको बहुत सावधानी पूर्वक उसको करना, ठीक है, कम्प्लीटली प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ अ केयर एंड लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि देखभाल की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की बात की दी गई है, और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोगी देखभाल का सटीक और पूरी तरह से दस्तावेज सही करना, ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी की बात कही गई है, ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन अ मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि पेशेवर दक्षता बनाए रखने में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आप यहाँ देख पाएंगे
कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कभी भी ना रोकें, क्योंकि हर साल हर वक्त कुछ ना कुछ नई बीमारियां, कुछ नई मेडिसिन, कुछ नए इंजेक्शंस आते रहते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना अपने पास, नेटवर्किंग ऑफ पीयर्स, ठीक है, साथियों के साथ नेटवर्किंग, यानी कि जो भी आपके स्टाफ नर्स हैं, स्टाफ डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में उनसे कम्युनिकेशन में बने रहना, पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च, यानी कि जो भी नई नई रिसर्च, जो भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। ये क्या होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की में एक प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से रखता है। विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर अ प्रोग्राम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, याद रखना, इंडिया में कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, क्या जो कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स को ऑफर करता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, जो राइट आंसर हो जाएगा, एम्स दिल्ली जो है वो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच को रखता है, क्या करता है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता ही है। विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफ प्रोग्राम ऑफ नियोनेटल नर्सिंग, इंडिया में कौन सा नर्सिंग कॉलेज है जो कि नियोनेटल नर्सिंग के प्रोग्राम को ऑफर करता है। तो याद रखना CMC, क्या, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में आपका नियोनेटल नर्सिंग का जो कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक नर्स की क्या भूमिका होती है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, मरीजों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको सुनना, उसका ट्रीट करना, उसका इलाज करना, उसको सही देखभाल करना, सही चीज़ें बताना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक रोल है, ठीक है। और मनोरोग संबंधी दवाएं देना, यानी कि साइकेट्रिक जो मेडिसिन होती हैं उनको प्रोवाइड करना, मनोचिकित्सा सत्र आयोजित करना, टू कंडक्ट फिजियोथेरेपी सेशन, फिजियोथेरेपी में आपको पता ही होता है क्या है, ऐसे ऐसे सेशंस को प्रोवाइड करना, कब, किस केस में, मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बात की गई, जब मेंटल हेल्थ केयर के बारे में की जाए, तो इस टाइप के ऑप्शन है, तो आपको ये याद रखना है, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम बस इतने ही क्वेश्चन आज करने वाले हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन अ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि भारत में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल की एक नर्स की क्या भूमिका रहती, यानी कि जब एक माँ हॉस्पिटल में होती है और एक छोटा बच्चा उसका, जिसे हम इन्फेंट होता है बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में होती है, तो एक क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाती है भारत में, इंडिया के बारे में बोला गया है, टू प्रोवाइड प्रीनेटल केयर टू द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि अगर महिला प्रेग्नेंट है, क्या है, महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर यानी कि सब उससे पहले ही उसकी देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, एक क्वालिफाइड और नर्स का एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल दोनों कह सकते हैं, नई माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना, टू प्रोवाइड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द न्यू मदर्स, यानी कि जो नई माँ बनी हुई हैं उनकी पोस्ट नेटल, यानी कि बच्चा जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनकी जो केयर होती है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, उसको प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड पेडियाट्रिक केयर टू न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रेन, वहाँ पे जो नवजात शिशु हैं और उन बच्चों को बाल चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो हम फिर से 11 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को अपना वो लेना हो, क्या, स्टडी मटेरियल वाला बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कास मेडिकल अकेडमी ऐप पे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।